बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे, और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू हैं, वो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं अपनी रेसिपी में बनाने जा रही हूँ चने का साग, यानी पल्ली मच्छी हम बनाएंगे। चने का साग भी कहा जाता है और इसे पल्ली भी कहा जाता है। और ये हमारे पास फिश है, ये मैंने 2 किलो मछली ले ली है, और ये भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको तोड़ के और इस तरह रखा है। इसको मैं अभी काटूंगी, थोड़ी सी कटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है, ताकि पता चले कि इसमें कौन से मैंने साग ऐड किए हैं। मैंने पालक लिए 1 किलो, 2 किलो लिया है चने का साग, और ये मछली आएगी 2 किलो के बराबर। और ये पालक भी हम इसकी कटिंग करके इसी में ऐड करेंगे। दोनों को मिक्स कर लूँगी, दोनों सागों को। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने भी रखे हैं। फिर इनको अच्छी तरह धोना है, 3-4 पानियों से धोना है, इसमें मिट्टी होती है, अच्छी तरह इसको धोइएगा। फिर जिस बर्तन में आपको अपनी पल्ली मच्छी बनानी है, उसमें आप 1 कप ऑयल ऐड करके, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ये प्याज लेके इन्हें काट के, और मैंने इसमें ब्राउन करूँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे, इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए और ये भी अच्छी तरह भुन जाए इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्पाइसी मसाले भी, और टमाटर और हरी मिर्चें भी। और अच्छी तरह मैं इसको भून रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। इसके साथ मैंने अच्छा चावल की रोटी बनाई है। अगर आप चाहें तो गेहूं की रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि चावल की रोटी से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, 6-7 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। टमाटर मैंने 1 पाव के करीब ले लिए हैं, इनको कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि ये भी सॉफ्ट से हो जाएं और ये थोड़े पक जाएं, ताकि ये टमाटर थोड़े हार्ड हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएं। और जब तक हम मैं आपको ये स्पाइसी मसाले बताती हूँ। इलायची पाउडर है थोड़ा सा, छोटी इलायची वाला 2 चुटकी के बराबर, और ये मैंने है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है 1.5 चम्मच, 1/2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, नमक है हसबे जायका, और इसी के अंदर 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा हमारा ज़बरदस्त सा टेस्ट आए हमारी पल्ली मच्छी में। और फिर आप देखिए, मैं अभी इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाऊंगी, ताकि ये टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिक्स होके पकें, और ये अच्छे से सॉफ्ट से हो जाएंगे हमारे टमाटर भी। और ये अच्छी तरह मैं इसको भूनूंगी, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और फिर इसके अंदर फिर हम फिश ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद मैं इस फिश पकने के बाद 5-6 मिनट के बाद फिर मैं इसको वापसी निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम साग डाल देंगे तो वो घुट जाएगी और जो उसके कांटे वगैरह हैं वो मिक्स हो जाएंगे। तो तरीका इसका यही होता है कि जब मसाला भून जाए, फिर उसी के अंदर हम अपनी फिश अच्छी तरह धो के, फिर हम इसके अंदर ऐसे तरह बड़े बर्तन में आप बनाइए, ताकि एक एक पीस आप लगाएं, ताकि टूटे ना आए फिश, क्योंकि फिश बहुत जल्दी पक जाने वाली चीज़ है, तो इसलिए इसको इसी तरह बनाया जाता है, ताकि ये बिल्कुल बिखर ना जाए। और अलग से नहीं तलते हैं, क्योंकि टेस्ट है वो है, इसका फ्लेवर जब आएगा तो जब ही पल्ली मच्छी का टेस्ट अच्छा बढ़ेगा। तो ये मैंने इस मसाले में ये फिश ऐड करके 5 मिनट तक कुक करिए ऊपर नीचे करके। अब ये पीस आप वापसी निकाल के एक प्लेट में निकाल लें, सारे पीस मैं इसी तरह एक एक करके निकाल लूँगी, ताकि ये हमारी फ़िश टूटे ना, उनको सॉफ्ट सी अच्छी सी कुक हो गई है। फिर बाद में हम दम पर इसके ऊपर रखेंगे। इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है मच्छी का, वो इस मसाले में आ गया है। अब इसी में हम साग ऐड कर देंगे। अगर हम साग मच्छी के साथ ऐड करते तो ये घुट जाती है मच्छी हमारी, और कांटे भी सारे बिखर जाते हैं इसमें। तो इसका तरीका आप ये देखें यही है कि मच्छी को थोड़ा कुक करके मसाले में, उसका टेस्ट जब आ जाता है मसाले में, उसको वापसी निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर हम पालक और चने का साग अच्छी तरह उसको काट के धो के फिर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पानी थोड़ा ऐड करते हैं, ज़्यादा इसको कुक नहीं करते हैं। ज़्यादा कुक करने से ये होता है इसमें कड़वासपन आ जाती है। तो मैंने सिर्फ 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, जैसे कि आपने भी देखा मैंने पानी 1.5 गिलास के करीब ऐड करके, और इसे अच्छी तरह मैं पकाऊँगी। लो मीडियम आँच पे आप पकाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको गोटा लगाऊंगी, जैसे जो लकड़ी गोटे से जो करते हैं दाल वगैरह जो हम गोटते हैं, जो आप देख सकते हैं, इससे अगर वगैरह नहीं करना है, इसी से गोटा लगाना है, क्योंकि इससे करने से और उससे करने से बहुत फ़र्क होता है। तो हमें इससे थोड़ा लेसपन आता है, जब इससे करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है मेरे। अच्छी तरह ये आप देख सकते हैं, इससे गोटा लगा के अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी ऊपर से थोड़ा सा, ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा आए।
और इसके अंदर मैंने तड़का लगाया है, ये लहसुन का, ये लहसुन का तड़का मैंने लगाया है। लहसुन का तड़का लगा के और फिर हम ऐड करेंगे अपने बाकी मच्छी में, इस पर ऐड कर दूंगी, ये आप देख सकते हैं। और ये मच्छी भी मैंने जितनी निकाली थी वो भी मैंने सारी ऐड कर देनी है इसके ऊपर। और ये फिश हमारी कुक हुई हुई है इसलिए बस सिर्फ ये ऊपर हमें रखना है। और ये थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है। और आप फिर सर्व करें चावल की रोटी से या कनक की रोटी से। और जो जिसको मुझे मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।